हे फ्रेंड्स, मैं मधु और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं अपने घर में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, और मैं गई थी ग्रोसरी का शॉपिंग में। तो हम लोग अभी स्पेंसर से आ रहे हैं और करीब 1 से 2 महीने का हमने राशन उठा लिया है एक बार में, और अभी थोड़ा बहुत हमको अरेंज करना है सारा सामान को। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इससे पहले सरस्वती पूजा वाला ब्लॉग आने वाला था, लेकिन एक मिस्टेक के कारण मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई। सरस्वती पूजा वाला वीडियो एकदम ऑलमोस्ट रेडी हो गया था अपलोड होने के लिए, लेकिन एन वक्त पे मेरे मोबाइल से मैंने सेव नहीं किया था, और उसका जो ओरिजिनल वीडियो था वो मैंने डिलीट कर दिया। इसलिए घर वाला जो पूजा का वीडियो था वो मेरे पास नहीं है अभी अवेलेबल, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स में जो सरस्वती पूजा था उसका वीडियो है मेरे पास, तो वो मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सारा ग्रोसरी आने के बाद उसे हम लोग अरेंज करके रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम मुझे लगता है एक एक सामान को फिर से सेट करने में। और अभी हम लोग का सब कुछ हो गया है, डिनर वगैरह लंच वगैरह सब कुछ करके ही हमने गया था, और अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, तो ये सब हटाएंगे, उसके बाद ही हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कुछ करना। क्योंकि ये सब देखने के बाद और कुछ करने का इच्छा नहीं करता है, लगता है कि सबको साइड करें उसके बाद ही दूसरा काम स्टार्ट करें। तो कुछ जार भी मैंने शॉपिंग किया था, ये देखिए इस टाइप का जार मुझे ज़रूरत था। ज़्यादा बड़ा है नहीं, करीब 800 ml का होगा ये जार, और एक छोटा साइज़ का है ये भी करीब 500 ml का है। तो ये दोनों जार मैंने लिया है, तीन करके 6 जार है टोटल, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, बहुत ही हार्ड का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मुझे ज़रूरत था तो ये लिया है। और हमने लिया है ये अचार जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। थोड़ा सा ये सॉल्टी होता है, बट रोटी या चावल के साथ अब थोड़ा सा ले तो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये मैं हमेशा रखती हूँ घर में। और चलते हैं, ये सब समेटा होने के बाद मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं, सबको फिर क्लीन भी करना है। तो मैं लंच करने के बाद झूठा वाला बर्तन क्लीन कर दी थी, बट कढ़ाई वगैरह ये सब था ही, इसको नहीं क्लीन की थी क्योंकि लेट हो रहा था और मेरे हस्बैंड को थोड़ा बाहर भी जाना था काम से, तो इसलिए हमने लंच करके ही तुरंत 2 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे, 2-2.5 बजे के आसपास, और शाम होते होते हम लोग आ गए। क्योंकि स्पेंसर में जानती है वीकेंड में कितना भीड़ होता है, बहुत लंबा लाइन रहता है, इसलिए हम लोग दोपहर में ही जाने का कोशिश करते हैं, नहीं तो वहाँ पर लाइन में कम से कम 1 से 2 घंटा लाइन में ही खड़े रहना पड़ता है, इसलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं जाते हैं। तो सब कुछ बर्तन वगैरह क्लीन होने के बाद रात का मैं आप लोग को नहीं वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सरस्वती पूजा वाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। जीवाय आय मुंगे नम चेत।